नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो, और इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेस लोको या एबीबी लोको में लगे HV1 पैनल के अंदर जो भी इक्विपमेंट या MCBs या कॉन्टेक्टर लगे हैं उनकी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में, आगे हम HV1 पैनल के अंदर लगे सभी MCB और कॉन्टेक्टर और बाकी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि HV1 पैनल किस तरफ लगा हुआ रहता है लोको में। तो आप कैब 1 से अंदर की तरफ आएंगे तो पहला जो पैनल लगा हुआ दिखेगा आपको वो HV1 पैनल ही रहेगा। ये WAP 7 लोको की हम बात कर रहे हैं, और WAG 9 में भी इस तरह से ही रहेगा। WAP 5 लोको में पहले आपको SB1 पैनल मिलेगा, उसके बाद HV1 पैनल मिलेगा। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है HV1 पैनल और इसके अंदर ये चीज़ें लगी है। अब डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये फ्यूज है, 41 नंबर का फ्यूज़ है, और ये 415/110 वोल्ट AC के सर्किट के लिए ये फ्यूज़ लगा हुआ है। आगे डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये 47.2/1 मेन कॉन्टेक्टर, मतलब ये जो है मेन कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है, जो हमारे CP लगे हुए रहते हैं, दो CP लगे हुए रहते हैं, तो उसमें से जो CP1 है उसका ये मेन कॉन्टेक्टर है। उसके बाद यहाँ आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी कर रहे हैं, 52.3/4, और उसके पास में 52.3/5 ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर के लिए ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। इसके मेन कॉन्टेक्टर भी नीचे की तरफ लगे हुए हैं, उनके बारे में आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। और ये सभी कॉन्टेक्टर ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स के लिए लगे हुए हैं, लोड शेयरिंग के समय भी काम आते हैं, और नॉर्मल जब सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर वर्किंग में रहते हैं तो भी ये काम में आते हैं। उसके पास में 89.5 जो है अर्थफोर्ड रिले है। ठीक है, 415/110 वोल्ट सर्किट के लिए अर्थफोर्ड रिले है। उसके पास में यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है 54.2/1, ये MRB के लिए ये टाइमर रिले लगी हुई है। उसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो ये सारी MCBs लगी हुई हैं। तो ये जो ऊपर की रो में MCBs लगी हैं सभी थ्री फेस MCBs हैं, और नीचे की तरफ कुछ थ्री फेस MCBs हैं और कुछ सिंगल फेस सर्किट के लिए MCBs हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इन सब के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 62.1/1 पंप ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर पंप का जो ये MCB लगी हुई है, ट्रांसफार्मर पंप के लिए MCB लगी हुई है। ये वाली जो MCB है 63.1/1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के ऑयल पंप के लिए ये MCB यहाँ पे लगी हुई है। ये बाद में यहाँ पे आगे की तरफ ये जो 47.1/1 जो है मेन कंप्रेसर की MCB लगी हुई है। उसके बाद में 53.1/1 मोटर ब्लोअर, मतलब जो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर है TMB 1, उसके लिए ये MCB लगी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे 55.1/1 स्केंजिंग ब्लोअर TM, मतलब ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 जो है उसके स्केंजिंग ब्लोअर के लिए ये MCB लगी हुई है, मतलब TMB 1 और OCB 1 दोनों के लिए कॉमन स्केंजिंग ब्लोअर है, उसके लिए ये MCB लगी हुई है। उसके पास में जो MCB लगी 59.1/1 ऑयल कूलर, मतलब ऑयल कूलिंग ब्लोअर, जो ट्रांसफार्मर ऑयल और SRL ऑयल को ठंडा करने के लिए जो OCB लगा हुआ है उसकी ये MCB है। ये सभी MCB थ्री फेज MCB है। और नीचे की तरफ ये 54.1/1 मशीन रूम के लिए, ये मशीन रूम ब्लोअर के लिए ये MCB लगी हुई है।
पहले जो लोग रहते थे उनमें ये मशीन रूम ब्लोअर के लिए सिंगल फेस एमसीबी का यूज़ किया जाता था, और अभी मॉडिफिकेशन करके मशीन रूम के लिए थ्री फेस एमसीबी को लगाया गया है। ठीक है, इसकी सप्लाई जो है हमको ऑक्सिलरी कन्वर्टर से अब मिलती है, इसलिए ये थ्री फेस अब मशीन रूम ब्लोअर हो चुके हैं, तो उनके लिए एमसीबी भी थ्री फेस लगाई जाती है। पहले क्या होता था, सिंगल फेस रहते थे मशीन रूम ब्लोअर, तो उनके लिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ या अंदर की तरफ एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगाया जाता था, जिससे मशीन रूम ब्लोअर और बाकी की सिंगल फेस ऑक्सिलरी चलती थी। अभी ये मशीन रूम ब्लोअर को जो है ऑक्सिलरी कन्वर्टर से डायरेक्ट सप्लाई दी गई है, इसलिए यहाँ पे एमसीबी को भी बदल के थ्री फेस एमसीबी कर दिया गया है। तो ये 54.1/1 मशीन रूम ब्लोअर की एमसीबी है। उसके पास में 56.1/1 जो है मशीन रूम ब्लोअर के स्केंजिंग ब्लोअर की एमसीबी है, ये भी थ्री फेस एमसीबी है, और दोनों को ऑक्सिलरी कन्वर्टर से सप्लाई मिलती है। 69.61 कैब वेंटिलेशन, जो ड्राइवर कैब वेंटिलेशन के लिए सिंगल फेस के लिए ये एमसीबी है। 69.62 जो ड्राइवर्स कैब में कैब हीटर लगते हैं जो ठंड में यूज़ में आते हैं उसके लिए एमसीबी लगी हुई है। और 69.71 जो ड्राइवर कैब में फैन लगते हैं, पंखे लगते हैं, उनके लिए ये एमसीबी लगाई गई है। उसके बाद में यहाँ आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये 52/4 और ये 52.8/4 ये जो है कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, और उसके जस्ट पास में 52/5 और 52.8/5 ये दोनों ही कॉन्टेक्टर ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स के लिए लगे हुए हैं, जो कि अलग अलग समय पे काम में आते हैं। जब सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर वर्किंग में रहते हैं तब भी ये काम में आते हैं, और उसके बाद लोड शेयरिंग में भी ये काम में आते हैं। और यहाँ पे भी हमने कॉन्टेक्टर दो बताए थे, ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर हैं, ये भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स के लिए लगाए गए हैं। अब ये SB1 पैनल में अगर किसी कारणवश इनमें से कोई भी MCB ट्रिप होती है तो आप उसको DJ ओपन करके ही रीसेट करें। इसके लिए आपको मतलब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप DJ ओपन करके इसको रीसेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हमने आपको थ्री फेस लोको या ABB लोको में लगे SB1 पैनल के अंदर लगी सभी MCB और कॉन्टेक्टर के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। सो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।